कालीघाट मंदिर को दक्षिणेश्वर मंदिर जैसा सजाया जाए, इसका सौंदर्यीकरण किया जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तरफ से निर्देश दे दिया गया है कि जल्द ही कालीघाट मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए। लेकिन अब समस्या ये आ गई है कि यहाँ के दुकानदार के तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्हें अच्छे पोजिशन में दुकान चाहिए। हम लोग तो खुश है, यहाँ पर उन्नयन होगा तो हम लोग का दुकान जो जगह दे के तो अपने उन्नयन करेगा। पोजीशन का हम लोग का अच्छा पोजीशन देगा तो हम लोग को दूसरा जगह में जाएगा, पोजीशन नहीं देगा तो हम लोग कैसे जाएगा। हम लोग का अच्छा दुकान से ज़्यादा जरूरी है कि हम लोग का पोजीशन का। हम लोग जो यहाँ पोजीशन में है ये हम लोग का सोचिए, हमको पिताजी उसका दादाजी भी यहाँ दुकान दे किया, वही परिचिति से चल रहा है। दूसरा जगह चला जाएगा तो वो परिचिति नहीं रहेगा। पुनर्वासन अच्छा से किया जाए और हम लोग को अच्छा से हम लोग को जो डिमांड है वो पूरा किया जाए। मंदिर प्रांगण और मंदिर के आसपास के इलाकों को बिल्कुल एक नए रूप में सजाया जाए ताकि लोग बाहर से आने वाले उसे काफी पसंद करें। इतना जगह पे सुंदर हो रहा है तो कालीघाट भी सुंदर होना चाहिए, और जगह से भी और सुंदर होना चाहिए। इसको अगर सजाया जाए, इसको अगर बनाया जाए तो ये कालीघाट लोकेशन के लिए एवं तीर्थार्थी के लिए, जब आदमी लोग के लिए ये बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही अच्छा होगा। सभी का ये मानना है कि अगर इस इलाके का जीर्णोद्धार होता है, इस इलाके का सौंदर्यीकरण होता है तो ये सिर्फ मंदिर के पुजारी के लिए नहीं बल्कि आसपास के लोगों के लिए और दूर विदेशों से आने वाले लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छी बात होगी। किंतु महोदय बंधुवृंद चाहिए खूब द्रुत हो, तातड़ी हो, क्योंकि लोकाली नाना समस्या तो थके। हमार दुकान अमुक जगह हमार बाड़ी आछे कि हमार अन्यान्य किछु दुकान आछे डाला आछे, एई प्रॉब्लेमटा सल्व करे आमरा प्रथम সবাইকে বুঝিয়ে নিয়ে তারপর আমরা মন্দিরটা করবো আগে, তারপর ফেস বাই ফেস অন্য কোনো করবো।